शाहपुरा से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर मुख्यमंत्री की शिलान्यास पट्टिका को अज्ञात व्यक्तियों ने तोड़ा। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप शुभ 24 देख रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर दिया ज्ञापन। शाहपुरा से इस खबर को हमारे खास रिपोर्टर नरेश व्यास ने भेजा है। राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 5 अक्टूबर 2023 को शाहपुरा में लगभग 50.35 करोड़ की लागत से बनने वाले 9.95 किलोमीटर लंबे भीलवाड़ा रोड देवरी रोड के मध्य बाईपास के निर्माण कार्य का शिलान्यास प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया था, जिसमें मौजूदा सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री भजन लाल जाटा तथा शाहपुरा विधायक कैलाश मेघवाल की उपस्थिति थी। उक्त शिलान्यास पट्टिका उम्मेद सागर रोड पर निर्माण अधीन बाईपास पर लगी हुई थी, जिसको मंगलवार दोपहर को अज्ञात व्यक्ति द्वारा तोड़े जाने की खबर कांग्रेस प्रवक्ता अविनाश शर्मा को मिली। तो मौके पर जाकर देखा तो अविनाश शर्मा को शिलालेख टूटे मिले। सूचना मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और शिलान्यास पट्टिका तोड़ने वालों के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रकरण दर्ज कर अविलंब दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की तथा नई शिलान्यास पट्टिका शुक्रवार तक लगाने की मांग की और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शाहपुरा देवली सड़क मार्ग पर बनने वाले लगभग 9.5 किलोमीटर लंबे बाईपास की, जिसकी लागत लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास है, उस बाईपास के निर्माण के लिए जो शिलान्यास पट्टिका माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा लगाई गई थी, जिसमें जयपुर में हुए इस वीसी के आयोजन के अंदर तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री श्रीमान भजनलाल जी जाटव और शाहपुरा तत्कालीन विधायक माननीय श्री कैलाश मेघवाल की मौजूदगी रही। उस शिलान्यास पट्टिका को कल असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया, जिसके विरोध में आज हम सभी कांग्रेस जिन्होंने माननीय राज्यपाल महोदय के नाम श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। हम सभी कांग्रेसजन मांग करते हैं कि इस जो घटना हुई है, जिन्होंने शिलान्यास पट्टिका को तोड़ा है, उनके खिलाफ राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रकरण दर्ज कर उनको आइडेंटिफाई कर उनके खिलाफ जल्द से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और आगामी 3 दिवस के अंदर सार्वजनिक निर्माण विभाग पुनः उस पट्टिका को लगवाए, ये हम सभी कांग्रेसजन मांग करते हैं। इस दौरान हमारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता नगर अध्यक्ष बालमोहन तोशनीवाल, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राजकुमार जी बेरवा और डीसी सदस्य संदीप जी जिनकर सहित सभी स्थानीय पार्षद साथी सभी वरिष्ठ कांग्रेसजन सभी मौजूद रहे और अगर ये नहीं किया गया तो कांग्रेस इसके विरुद्ध उग्र आंदोलन करेगी। जय हिंद, जय भारत। राम राम साहब।